तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फोर्थ व्लॉग होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पहले 3 व्लॉग देख लिए होंगे, जो कि मुझे शायद नहीं लगता कि आपने देखे होंगे, तो बाकी यहाँ पे तू इतना खुश क्यों रहे साले? और ये अपने रिश्तेदार भी साथ में ले गया है ना, रिश्तेदार नहीं वैसे दोस्त हैं। चल भाई पर्सनल मत लिया, तो चलो जो भी है। और ये लोकेशन ढूंढी है हमने, और यहाँ पे मुझे एक आगे गुफा भी दिख रही है, आगे बढ़ थोड़ा। सच्ची? हमें यहाँ पे ये मिली है कोई वाटिका टाइप फिर से, और फिर वाटिका फिर कोई आ जाएगा। अरे कोई ये गुफा भी है। अरे यार ये गुफा शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो यार यहाँ से आगे जाके देखेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे ही कैंपिंग करनी है या कोई और स्पॉट ढूंढेंगे। फिलहाल आगे जाके देखते हैं। तो यार ये कुछ रास्ता है, हम अभी इधर से आए हैं, और ये कनौजी के दोस्त। अरे यार मेरे दोस्त नहीं है। और ये यहाँ से जाते हैं, रास्ता नीचे को जा रहा है। अब देखते हैं आगे। मुझे वैसे लोकेशन तो सही सी लग रही है, बस हमने ये देखना है कि हम अपना बाइक सही जगह और सेफ जगह पे खड़ा दें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए या पिछली बार की तरह कोई अब पुलिसिया ना आए। तो यार ये देखो, ये कनौजी को फॉलो करते करते, वैसे कनौजी मुझे फॉलो कर रहा था, जो भी है। और ये देखो, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। और जो सामने खाई है बिल्कुल, और वो खड़ी वाली खाई है, और बिल्कुल हमें घंटा नहीं पता कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। मुझे तो लगता है नहीं जाना चाहिए, इसी में समझदारी है। लेकिन हम समझदार लोग कहाँ हैं? हमारा कोई पारिवारिक व्लॉग नहीं है, माहौल बोल रहा हूँ मैं। तो यार ये नीचे से ये खाई जाती है, और वो खाई के सामने मैं खड़ा हूँ, और नीचे खाई है, ये देखो। तो भाई साहब ये धक्का धुक्का देने की बात हो रही है। तो यार ये खाई है, और ये हम हैं, ये रे हम, ये। और अभी हम पहाड़ी गए। तो यार कनौजिया फिर से कलाकांडी करने की कोशिश कर रहा है, कहता कुत्तों को फॉलो करूंगा मैं, जैसे मैंने जिंदगी में करा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मत कर फॉलो, खाई में गिरेगा। और मैं जा रहा हूँ वापस जहाँ हमने बाइक खड़ाई थी। तो यार इसकी बंदे की वजह से ना मुझे वापस आना पड़ा, इतनी दूर मैं चला गया था, वैसे इतनी दूर भी नहीं गया था। और ये भी इसके दोस्त आ गए, और ये भी वापस आ गया। भाई तुझे कितना मना किया मैंने, अब लगा लिया ना। तो चलो यार वापस चलते हैं। यार अभी यहाँ से आ रहे थे हम ये रास्ते से, तो आगे रास्ते में ये देखो बाइक खड़ी है। बाइक क्यों खड़ाई है आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने तो आगे को कर देनी थी भाई, ये कलाकांडी हो रही थी। मैं आपको बैक कैमरा में, ये क्रॉस करके उस रास्ते पे जाना था जो अब ख़त्म हो चुका है। ये पता नहीं क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है या कुछ नहीं, ज़्यादा पत्थर गिर दिए होंगे इन्होंने रास्ता चौड़ा करने की वजह से, और ये यहाँ तक नीचे तक जा रहे हैं भाई। तो यार ये कनौजिया कह रहा है कि हम इधर से कुछ ऊपर से चढ़ेंगे, ये वाली जो पीछे आपको दिख रही है ना, इधर से स्टंट करके चढ़ेंगे, और वहाँ से जाके देखेंगे कि क्या बनता है आगे रास्ता होगा। पर बाइक का मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कि कहाँ पे खड़ाएंगे क्या नहीं। चलो बाकी देखते हैं, आप अगर ऊपर चढ़े और जिंदा बचे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आइडिया ये दिखा रखा है, ये वाला रास्ता बता रहा है यहाँ से जाएंगे। और मुझे लग नहीं रहा, जैसी हमारी हरकतें हैं, हमारे घर वाले अगली बार हमें आने देंगे, संगली बांध के रखेंगे हमें घर पे। चलो वहाँ पे तुम्हें ये करने के लिए भेजते हैं। उम्मीद करो हमारे लिए, उम्मीद क्या करो, मतलब विश करो हमें गुड लक। हम ये वाली वीडियो डालें और आप देख पाओ, वैसे आप कैसे कर सकते हो। यार हमने सेफली यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है, हमारी तरफ से तो सेफली खड़ी है। अब बस भगवान ध्यान रखे बाइक का, और हम जा रहे हैं इधर रास्ते पे। भाई कोई हेल्प नहीं करी इस बंदे ने मेरी बाइक खड़ी करने में, चलो वैसे क्या ही हेल्प करता। अब फिर से जा रहे हैं उसी रास्ते की ओर, फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है मिलते हैं। भगवान अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं तो, नहीं, कोई अच्छा नहीं करा, तो ये कुछ रास्ता है। और यार यहाँ से जा रहे हैं देखो, और कोई काम धंधा नहीं है हमें, तो ये रास्ता जा रहा है, वो कलाकांडी जा रहा है आगे। देखो अब ये रास्ता है भाई, यहाँ पे सही है यार, ये सेक्सी लोकेशन है। आज लग रहा है पता कि कुछ हम कर रहे हैं। एज यूजुअल कनौजी के साथ रास्ते में आके घंटा कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी हमें निराशा ही हाथ आई। माँ जी ये कौन सी हाथ आई है?
निराशा यार, ये आशा है सबसे बड़ी, ये निराशा नहीं है, बस निराशा ही हाथ आई। अब फिर वापस जा रहे हैं, फिर चलाएंगे जी, फिर हमें मजदूरी करनी पड़ेगी बाइक चलाने वाली, तो बस वापस जाते हैं, आपको बता दें। भाई ये देखो यार, ये देखो, मेरे वो गाना याद आ गया, जिथे जिथे तू जाएगा तेनु फॉलो करूंगी। ये देखो आगे इसके साथ ही। हाँ भाई आगे खुश है तू, ये देखो। और वो तीनों ही आए हैं, भाई रिश्तेदार मत बोल, फिर रिश्तेदार भी देखेंगे वीडियो यार। ये देखो। हाँ भाई कन्हू जी का हाल चाल पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं आई इसकी, कोई कमी आई है तुम्हारे बच्चों से। आजो आजो आजो, आई आपका इंतजार था। भाई चढ़ जा चढ़ जा, बस आंटी को जवाब मैं दे दूंगा, अरे पीछे से ही गायब हो गया ये। यार पकड़ लेना, पक्की चीज है मेरे पास। यार नहीं वो वाली नहीं पकड़नी मैंने। आ जा एकदम हार्ड है, ऊपर से तू पीछे से पोज दे रहा है गलत गलत। कोई हाथ में नहीं आ रही यार अच्छी सी चीज़। भाई हाथ लगाएगा तो आएगी ना। यार नहीं वो चीज़ उसे पहले से लाना पड़ता है। क्या आवाज निकाल रहा है तू गलत गलत। ठीक है सही जा रहा है सही जा रहा है। यहाँ पे कैक्टस भी है बीच में। कैक्टस, बस कैक्टस पे बैठना है तूने। भाई ये कांटे वाला पौधा फिर से। मेरा स्वेटर चिपक गया इससे तो। ये मैन वर्सेस वाइल्ड। बस निकल गई हवा। नहीं। मैंने देखो यार इसको मना भी किया था, लेकिन ये फिर भी करने कलाकांडी करने चला गया। अब वहां पे जाके फंस गया और मुझे रेस्क्यू के लिए बुला रहा है, और मुझे रेस्क्यू करना पड़ेगा इसको। भाई अब मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूँ उसको, लेकिन ये नहीं पता कि साला जाना कहाँ से है। भाई बता तुझे रेस्क्यू करने कहाँ से आऊं। ये मिल गया मुझे रास्ता, ये देखो मैं अब यहाँ से रेस्क्यू करने जा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत होने, आप इसे घर पे ट्राई मत करें, घर पे साले ऐसे पहाड़ी कहाँ होते हैं। तो अभी मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूँ, तो साथ देना मेरा। तो यार यहाँ से मैं रेस्क्यू करने इसे चढ़ा तो था, लेकिन साला आगे रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा। भाई तुझे मैं बचा पाऊंगा भी या नहीं। आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है, पता नहीं है वो जिंदा है या नहीं है, अब उसकी आवाज़ अब इंतज़ार ही कर सकते हैं। और कर साला एक ही तो महाचूतिया दोस्त है। कनौजिए गांडो, आई नहीं आवाज, नहीं होगा। तो भाई देखते हैं यहाँ पे इसने जगह तो कोई ढूंढी है, अब ऊपर जाके यहाँ से मैं देखता हूँ। यहाँ से पता नहीं मुझे मैंने चढ़ना कैसे है, लेकिन कोशिश तो है कि चढ़ जाऊंगा। तो यार अब चढ़ूंगा इस पे और आपको ऊपर जाके दिखा के आ चुका है, ये पीछे खाई है और ये यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हवा और अच्छी है, यहाँ से खींचना पड़ेगा। यहाँ से इधर से खींच सकता हूँ, वहाँ से पता नहीं अगर खोखला ना हो तो नहीं रुकेगा। चढ़ तो सकता हूँ। चढ़ सकता है, आगे आ जा मैं हाथ दे दूंगा। हाथ पैर जो पीछे नहीं देना। जो हाथ दे देगा। भाई ये रहा, ये रास्ता दिख रहा है मुझे, ये इधर से है? नहीं बैग, बैग लेके आ। दे हाथ दे। नहीं चाहिए मुझे। अरे यार भाई आ गया, बड़ी तू बड़ी आसानी से आ गया भाई।
भाई ये दिमाग वाला दिमाग का खेल है, दिमाग साले मैं ऊपर आ गया तो दिमाग का खेल है मेरे, देख क्या हाल, पूरे पैर में कांटे हैं मेरे, तेरी तो खैर वहां पे भी कांटे हैं। अरे यार फाइनली दोस्तों आई मेड इट और मैं कनौजी से बहुत आसान रास्ते से आया हूँ, क्यों, क्योंकि भाई हम वेट करते हैं और ये लोडू वो करते हैं, समझ रहे हो, आपको इसकी हालत दिखाता हूँ पैरों की, आधे से ज्यादा निकाल दी अंदर, ये देखो ये देखो तेरी तो कहाँ 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 कांटे हैं भाई, एक ना पेड़ था उसमें पूरे में कांटे थे और वो टूटा हुआ था, अच्छा वो मेरे पूरे इससे कपड़ों से चिपक गया, देखो ये और वो छूट नहीं रहा था और उसको पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसमें कांटे थे। कमेंट सेक्शन में आरआईपी लिख देना आपके महाचूते दोस्त को, आगे आगे जाने दो और आप पीछे पीछे जाओ, ये आज की ब्रो टिप। हाँ बस ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मेरे जैसे स्किल्स होने चाहिए इतनी पेशेंस रखने के लिए और दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए, चढ़ जाए वो अगर जितना लग गया तो हम भी चले जाएंगे। हाँ उसके वेट करो वेट करो भाई, ये लोकेशन बहुत प्यारी है यार पीछे से, चलो अभी हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, पता नहीं इनकी गांठने चूल्हा है वो देखेंगे पूरा करके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैंपेन, गांठ का जोर लगाना है, गांठ का हाथों का नहीं। अरे यार मुझे पहले ही बता था, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आ पाएंगे यार भाई, तब की तब देखेंगे, पहले ऊपर तो चल मैंने थोड़ी सोचा कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, और वो वापस जाने वाला रास्ता दिख भी नहीं रहा जहाँ से मैं आया हूँ, और वहां से मैं जो थोड़ा सा गिरे सीधा नीचे यहाँ से जाएंगे भाई साहब, ये खाई वहां नीचे नजर आएंगे हम यहाँ पे और ये चढ़ गया गांड का जोर लगा के, अरे वाह, अगर आपको भी लगता है कि इसने गांड का जोर लगाया तो कमेंट में गांडू लिख दीजिए। चलो यार अब हमारी बारी है जोर लगाने की, तो हम तो लगा ही देंगे जैसे पहले लगाया था, बस ये भाई साहब अब ऊपर जाके धक्का ना दे दे हमें, चलो यार ऊपर जाके मिलता हूँ, वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि दोनों हाथों का जोर लग गया। तेरी लाश कनौजी, तेरी लाश जलाने के लिए भी लकड़ी मिल गई भाई, तुझे हर जगह मेरी लाश जलाने को लकड़ी कैसे मिल जाती, तेरी कलाकांडी ऐसी होती है। ये देखो जी ये रास्ता था, आराम से वो रोड से ऊपर आराम से आ सकते थे, लेकिन इनको गांड में कांटे घुसवाने थे तो इन्होंने घुसवा लिए, बहुत सारी मेहनत के बाद बहुत सारे एफर्ट्स के बाद एक प्यारी सी लोकेशन मिल गई है, ये देखो अभी फाइनल नहीं करा यहाँ पे ही करनी है या कहीं और जाएंगे, पर ये जो भी है ना यहाँ पे एक नंबर चीज है, बस कोई आके ये ना बोले कि ए मुंडे ये चीज है, और यहाँ पे भाई ऑलरेडी एक कैंप लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम सो सकते हैं अगर हमने रात रुकने का प्लान बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड में जाएं ऊपर, ये बहुत प्यारी लोकेशन है, चलो देखते हैं आपको फाइनल करके बताते हैं कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, कितने ये कनौजी की लाश जलाने के लिए लकड़ी। तो यार ये सब हो गया फाइनल हो गया, ये लोकेशन हमने चूज़ की है क्योंकि यहाँ से पीछे से भी हमें सपोर्ट है, एक सपोर्ट मीन्स क्या कहते हैं उसे, मतलब छिपा हुआ है मतलब कुछ कोई देख नहीं सकता, और सामने से भी कुछ नहीं भाई, सामने नज़ारा देखो बस, बहुत पीसफुल। ये बैठा है कंडे निकाल रहा है अपनी, बस जो काम कांडी कला कांडी करी थी इसने, अब उस पे से रिग्रेट हो रहा है। तो यार टेंट लग चुका है फाइनली, तो आज हम चेंज करके लाए हैं टेंट, तो आज लगाने में दिक्कत भी आ रही थी, साला लगाना कैसे है, फिर नहीं फिर आप हमें पता था, हमने इधर उधर जुगाड़ करके थोड़ा बहुत लगा दिया, बस लग गया है अब अंदर से भी, ये खुला डुला टेंट है, खैर हमने तो सोना तो है नहीं, बस अब यहाँ पे हम जो बनाना है उसके लिए तैयारी करते हैं शुरू, और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 3, मतलब अभी 10-15 मिनट पड़े हैं 3 बजने में, और ये जब तक इसे कंडे निकालते हैं मैं कुकिंग की प्रेपरेशन करता हूँ। तो दोस्तों आज आपको अंदर से टेंट देखने का मौका मिल रहा है, ये देखो जैसा होता है, क्योंकि भाई बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, और हमने कुकिंग की प्रेपरेशन क्या करी थी ये देख रहे हो, इस कढ़ाई में
हमने न्यूट्री जो होती हैं सोया चंक्स जिसे बोलते हैं वो हम मैंने भिगो दिए थे। ये तो साला कंडे निकालो अभियान में था बिजी, तो अंदर से ये ब्लू ब्लू सी लाइट आ रही है और येलो येलो सी। हाँ तो अब हम यहाँ पे अंदर कुकिंग करेंगे ताकि बाहर से हवा को हम अवॉइड कर सकें। चलो आपको कुकिंग दिखाते हैं अब क्या खाएंगे आज। यार घर से मैं ये लेके आया था कैरेट केक है ये, तो भाई कैसा लगा खा के? अच्छा वर्षियाँ। चलो हम खाते हैं, अभी खाने में टाइम है, भूख लगी थी तो थोड़ा सा इसे स्नैक की तरह खा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। और मुझे कोल्ड हो गया यार। तो हमने अपना सारा खाना वगैरह बनाने का सेटअप यहाँ पे कर लिया है भाई। आज तू वीडियो बना, मैं बनाऊंगा कुछ। मैं ही बना रहा हूँ भाई, इतना क्यों, इतना बकचोदी क्यों करता है तू जबरदस्त? भाई ये देख, ये वीडियो बनाना। हाँ 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 भाई। तो गाइस हम ये टमाटर होता है ऐसे, ये लाल रंग का होता है और ये इसमें हम कूड़ा डालने के लिए। अरे भाई साहब ये फिर तो गंदी चीजें लग। तो ये दो टमाटर डालेंगे, प्याज एक डालेंगे क्योंकि ये महंगा होता है, और मिर्चे भी दो डालेंगे क्योंकि हमने सुबह जाना होता है। हाँ और तेल। अच्छा ये अच्छा है कि मुझे याद नहीं चरक, नहीं चरक। ये तेल सब्जी में डालने के लिए, तो गलत बातें क्यों दिखाते हो? अच्छा, सब्जी वाला टमाटर वापस डालते हैं, ये बाद में निकालेंगे टमाटर। हाँ, इनकी जरूरत नहीं है अब, तेल भी डाल देते नहीं है। पहले प्याज काटेंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है वेंटिलेशन की जगह नहीं है और हम अंदर ही घुट घुट के मर जाएंगे। ठीक है सर। यार इस वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछली वाली जितनी वाली भी इसने बनाई है उसको आती ही नहीं, कुछ भी बर्बाद कर देता है अंकल। तूने तो साले एंगल में PhD कर रखी है। चल ठीक है भाई, अब मैं इसको दे रहा हूँ, इसके बाद जैसा भी एंगल है गालियाँ इसके चैनल पर जाके निकाल देना। काट दी ना बोधी उसकी भाई, इसमें जान होती है इसकी, जैसे डायनो में उसकी उनके इसमें होती है ना चोटी। मुझे बड़ा पता डायनो के बारे में। अरे यार मैंने एक थी डायन देखी थी मेरा मासूमी की। भाई तेरी वजह से कोल्ड हो गया मुझे, इतनी मिट्टी चढ़ा दी है। मैं वैसे जो मिट्टी उछाल रहा था तेरे ऊपर मेरी रास्ते में भाई, इतनी मिट्टी थी ना। अरे भाई वो भूकंप आ गया वैसे। और क्या देखो यार वो तेरा, आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बाहर हवा चल रही है, तो हमें आज एक टेंट के अंदर खाना बनाने के लिए आना पड़ा। तब का सीन है जब आपका बजट कम हो लेकिन आपको फिर भी वहन जो कैंपिंग करने के लिए आना। क्रोजी तू यार इतनी अच्छी चॉपिंग करता है, वैसे इतनी भी अच्छी नहीं करता, तुझे ढाबा खोल लेना चाहिए यार। अरे यार हाँ मैंने नाम भी सोच के रखा ढाबे का। क्या नाम सोचा? मुठल हलवाई। अरे यार मैं भी फिर तो ऐड होऊंगा उसमें। अरे यार मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन में आपको लोगों की मुठ मारनी पड़ती है। जी यार मैं भाई आंखों में लग रही है प्याज मेरे। और भाई अंदर कर ले फिर। बाहर मिट्टी वाला खाना खिलाऊंगा फिर तुझे। हाँ भाई पथरी बन रही है आगे, पथरियां साली कितनी। चल यार ये भी एडवेंचर सही, आंखों में प्याज लगवाने वाला है। यार ये चाकू ठीक नहीं है यार। साले तू ही लाया था कि बढ़िया 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 चाकू। डीमार्ट वाले फुद्दू काटते हैं। एक तो महंगा चाकू दिया मुझे, उससे कटता भी नहीं फिर ढंग का। डीमार्ट को गालियां बैठे दे रहे हैं हमें। सेम प्राइस में अच्छी कंपनी के तीन चक्कू मिल रहे थे, लेकिन नहीं। हाँ मैंने कहा भाई और मैं जहाँ पे एक प्राइस उसमें सेम प्राइस में तीन मिल रहे हैं, यहाँ एक मिल रहा है कुछ अच्छा तो होगा। हाँ। ये अच्छा है वही साले नवाबों वाले चौक। हाँ प्याज नहीं कटती चक्कू से, बंदा तो क्या कटेगा साले। बंदे काटने नीचे बंदे आ तो रखे मुझे दिख रहे, उनकी हरकतें भी ऐसी काटने वाली लग रही है यहीं से फेंक के। वैसे वैसे नशे वैसे कर रहे हैं मुझे लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक के नशे कर रहे हैं वो भी ऐसी वैसी कोल्ड ड्रिंक नहीं मरिंगा। ये हमारे सोया चंक्स हैं और ये हमारे प्याज कट रहे हैं और ये हमारे टमाटर कटने को तैयार हैं। अरे यार हरी मिर्च ही से टमाटर नहीं बोलते, पहले हरी मिर्च कटेगी। तो इस तरह से कुछ हरी मिर्च काटी जाती है, आप भी सीख लो दोस्तों, काम आएगी। घर वाली आपको बोले कि मुझे भी कनौजिया जैसा
पति चाहिए। अरे यार फिर जब कनौजा की शक्ल देखेगी तो कहेगी रहने दो रहने दो, मैं खुद पका के खा लूंगी। आप भी देख लो। सोयाबीन को धोया जा रहा है अभी ड्रेन की है। दोस्तों ये ज्यादा मत खाना ऐसे, कनौजिया कुछ कह रहा था क्या होता है। अरे नहीं मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है। बस ये ज्यादा मत खाना। ज्यादा मत खाना, अगर आदमी हो तो मत खाना। लड़की हो तो तुम खा सकते हो। हाँ। और अगर आदमी हो लेकिन अपने आप को लड़की मानते हो तो भी खा सकते हो। वैसे गरम करा जाए ना अगर टमाटर तो और अच्छा कटेगा। भाई गैस पे रख दे। लेकिन गैस पे हाथ जल जाएगा। गैस नहीं भट्टी है वो। भाई तेरा हाथ ही वो है हथौड़ा। हाँ ये देखो कितना कितना भारी हथौड़ा है मेरा हाथ। आप देख ले कमजोरियाँ। भैया नीचे रख के काटो ना, रख के। ये चक्कू इतना धारदार है नहीं कि नीचे का रख के काट। भैया पहले चार वीडियोस तो तीन वीडियोस तो आपने इसी चक्कू से बनाए। टमाटर नहीं काटा ना मैंने उससे, पता नहीं काटा भी हो तो। काटा था कि नहीं? नहीं आज तक टमाटर नहीं काटा मैंने। पहली बारी हमने टमाटर ही नहीं काटा भाई। क्या बात है। हमने बल्कि प्याज भी नहीं काटी कभी। काटी है? नहीं। हाँ जब रोल बनाए थे कटलेट। अच्छा हाँ ठीक है प्याज काटी है हमने। प्याज काटी आज, प्याज हमारा काट रही थी। तो यार ऐसे ये टमाटर कटता जाएगा और अब आपको कटने के बाद आप हम टमाटर दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। ये देखो अब हमारे ये टमाटर कट चुके हैं। ये टमाटर है, इन्हें टमाटर बोलते हैं। नहीं ये टमाटर है, ये प्याज है। हाँ। और ये हरी मिर्च है। ठीक है सेंस है इस वाली से। अरे वाह आज पहली बार हमें आग देखने को मिली। विजिबिलिटी बस इससे गर्म होके, क्योंकि उसका पैर गर्म होएगा तो प्लास्टिक ना पिघल जाए। हाँ है ना, हो सकता है कुछ हार्ड चीज। हार्ड तो मेरे पास। या नहीं वो नहीं। कढ़ाई गर्म होने पर तेल डालें और खुद गर्म होने पर तो तेल लगाएं। भाई अंदर हमारी आंखें जल जाएंगी मैं बता रहा हूँ। ये हमारे जुगाड़ देख लो, नीचे कपड़ा रख दिया गीला ताकि सरके ना और आग न लगे। गैस बंद कर दिया मैंने। भाई बस प्याज मेरी तरफ नोट के आज एंगल का थोड़ा देख लेना क्योंकि मैंने ये भी पकड़ा हुआ है। भाई अब खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। साले गैस देखता रही हो। हाँ हो बुझी जाए भैंस। भाई तुझे पसंद नहीं आया था मेरा बनाया हुआ एंगल। वो है ही छूट गया ना। गालियां भी तो निकालनी है तुझे जबरदस्ती की। चल कर दे शुरू। अरे भाई स्टार्ट ही थी भाई। अरे भाई तेरी गालियां भी रिकॉर्ड होगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है यार। रात और धक्का लग रहा है बे। मुझे नहीं लग रहा मैं बाहर हूँ। आराम घोर हर चीज को पानी उबल रहा है उसको भी अच्छी खुशबू बता देगा। यही तो जायका होता है। लग रहा है भाई धक्का लग रहा है धक्का। सॉरी खांसी के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी।
अरे यार हमने वीडियो से कोरोना नहीं होने लग रहा। नमक नीचे गिर गया बस भाई, अब तुझे दिक्कत आएगी जिंदगी में। अरे यार बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं अगर नमक गिराओ तो फिर आंखों से उठाना पड़ता है। पलकों से साले, आंखों से कैसे उठा ले भाई। ये नमक डाला था तो नहीं, वो लाल मिर्च थी, ये हल्दी है ड्रग्स। भाई छीटे छीटे पड़ गए, कैसे कैसे सवाल पूछता है ये आदमी। छीटे पड़ गए भाई छीटे। अब मुझे तो व्हाट्सएप पे वो दो बूंदे सी नहीं होती गिरती उसकी याद आ रही है। जिंदगी की नहीं, जो बैंगन के साथ तो वो। अच्छा खस 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 के मर जाएगा। तो यार अब बस हम इसमें वो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? सोया चंक्स। अरे यार नहीं, तू तुझे एक बात पता, तुझे जब रेसिपी पता नहीं है तो तू बताता क्यों है लोगों को? आइडिया मार रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बोला था इसके बाद हम सोया चंक्स डालेंगे। डाल दी। अरे यार उसके बाद मैंने पानी डाला था। पानी थोड़ी भाई, ये कोई इंग्रेडिएंट है? पानी से ही तो पकती है फिर चीजें, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। जो भी है मैंने तुझे करा था भी तो साबित करना है फिर। पर भाई जो भी है हमने ये बना लिया, जो मैंने बोला था वही हुआ है। ये पागल है तो इसको इग्नोर करो। इसके बाद हम आपको सीधा नहीं खाने तो जा, एक सेकंड रुक जा, तू कर ले, मुझे इग्नोर कर ले, तू खुद बना ले वीडियो। आ बना ले, तो भाई ये खा के हम अब सीधा प्लेट में मिलेंगे आपको। प्लेट में मिलेंगे? हाँ प्लेट में खा देगा। हम प्लेट में मिलेंगे भाई, हम नहीं मतलब खाना, मतलब प्लेट में खाना दिखाएंगे। समझ गए यार, समझदार ऑडियंस है हमारी। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? समझदार है, पाप वाली बात नहीं। ऑडियंस समझदार है हमारी। हमारी सोया चंक्स की भुर्जी तैयार है यार। भुर्जी जो भी है वो तैयार है। दिखने में आप देख सकते हो कैसी सी लग रही है। दिखने में ठीक है लेकिन मैंने टेस्ट करी, अच्छी है। कन्होजी अपना अच्छा कोक है और ये अपना ढाबा भी खोलेगा और उसने नाम भी सोच रखा है वो देख। अगर आपने वीडियो स्किप ना करी हो तो आपको पता चल जाएगा। तो यार बस अब ये खाते हैं और आपको बताएंगे कि कैसा लगा खाने। मुझे सच्ची बताओ, मुझे अपना आज का बनाया हुआ इतना तो अच्छा नहीं लगा। इतना भी नहीं सच बोलना था। चलो कोई नहीं, मुझे सही लगा टेस्ट, मतलब थोड़ा नमक कम था वो हमने डाल दिया। दोस्तों सनसेट होने वाला है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हम यहाँ से जाने वाले हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ दिन ढलने को है और हम चलने को हैं। सस्ते सलमान खान। चलो जो भी है, बहुत प्यारी लाइट आ रही है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक रील बनाऊँ और छा जाऊँ यहाँ से, ऐसे करके एक रील बनाऊँगा। देखता हूँ एक बार सिनेमैटिक शॉट्स से लेके कुछ बनता है कि नहीं। और बस अब यहाँ पे हमने पैकिंग करनी है अपना जो भी सारा सामान है उसकी, उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। और टाइम है यार आज हो गया हमें 5 बजे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे घर। आई थिंक 7 बजेंगे, 7 या 7:30 मैक्स, 8, इससे ज़्यादा नहीं। करते हैं पैकिंग फिर आपको दिखाते हैं जाते टाइम। यार इस बंदे को ना मैंने सिर्फ एक वीडियो बोली थी कि भाई ऐसे मैं चल के जाऊंगा और जेबों में हाथ डालूंगा, इस चूतिए से वो वीडियो तक नहीं बनी प्रॉपरली। इसने 4 अटेम्प्ट लिए, 4 बार मुझे चलना पड़ा। साले 10,000 कदम तो मेरे ऐसे ही हो गए। पता नहीं यार क्या सीन है। चलो जी तुझे अब आगे से मैं नहीं भाई आगे से भाई, ढंग से तू वीडियो नहीं बनाएगा ना तुझे लाऊंगा नहीं मैं। साले बाइक तो मैं चला के मैं नहीं यार। चलो यार दिन ढल रहा है पीछे से फिर मैं। व्यू कितना अच्छा है, वीडियो कितनी अच्छी, मतलब व्यू कितना अच्छा आ रहा है भाई। हाँ बस तेरी शक्ल आगे पीछे वो खराब हो गया व्यू। जैसा कि आप देख सकते हो दिन ढल चुका है, बहुत प्यारा यहाँ पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर से लाइट कितनी प्यारी आ रही है मेरी आपकी रिफ्लेक्शन में ना।
यहाँ से जा रहे हैं अब नीचे। भाई ये देखो ये भारी वाला मुझे चका दिया, ऐसे ही है यार ये बंदा गलत है। सही है ना बिल्कुल व्यू। तो यार लाइट भी कम हो रही है, अब हम यहाँ से नीचे उतरने, मेन रिस्की काम यही है कि हमने नीचे उतरना है। तो अब आपको नीचे उतरते वक्त तो शायद मैं कैमरा नहीं पकड़ पाऊंगा, तो नीचे उतर के आपको रास्ता दिखाता हूँ अभी, मतलब दिखाता हूँ। हाँ डेफिनेटली आएगा तू वापस। हाँ हाँ ये देखो ये रास्ता है साले, तुझे मैं लेके आया हूँ। ये देखो ये रास्ता जा रहा है, अब यहाँ से कैसे उतरना है ये अभी हम डिसाइड करके बताते हैं आपको। यार ये जितना देखने में आसान लग रहा है ना उतरना, उतना आसान है नहीं, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। भाई ध्यान से उतरियो हाथों आराम से उतरना भाई, आराम से उतरना। मैं अब ट्राई करता हूँ आगे से, वैसे अब शायद थोड़ा सा बेटर है पहले से। यहाँ पे मेरी ये दिक्कत है कि यहाँ पे रास्ते में पैर रखा, वहाँ पे बस टिक जाए पैर और दिक्कत ना आए। फाइनली वैसे नीचे तक आ गए, बस नीचे जाके लास्ट में जंप करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जंप मारने में तो हम माहिर हैं। हाइट तो है, आपको अभी दिखाता हूँ मैं हाइट कितनी है। कनौजिया पूछ रहे हैं यहाँ से कूदेंगे कैसे, इसको ये नहीं पता कि हम तो हैं ही तेज। वो देखो वो रास्ता है, वहाँ से हम पौड़ियों की तरह उतर जाएंगे। अच्छा भाई मेरे बताए हुए रास्ते पे आया कर हमेशा। तो यार ये पौड़ियों जैसा रास्ता है, अब इससे ऐसे करके, अब साला ये नहीं पता ये पौड़ियाँ कमजोर है कि ठीक है, वैसे तो ठीक लग रही है, ये इतनी हाइट भी नहीं है। बाकी कनौजी का पता नहीं मुझे, इतनी हाइट नहीं है, सही है। तो यार ये वही वाली खाई आ गई, ट्राई कलर फील आ रहा है यार, बहुत प्यारा फील है। मुझे छोड़ के चला गया भाई ये। भाई आ जा, ले आऊंगा तुझे अगली बार। यार यहाँ से मैं पैदल पहुंच जाऊँ तो मैं कल तक पहुंच जाऊंगा वैसे, लेकिन इतना स्टेमिना नहीं है चलने का। यार वो वहां से चलवा के ला रहा मुझे इतनी दूर से, ये देखो रुक गया रुक गया रुक गया। चलो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।